माहौल ज्यादा है बोली में? बोली में ओम जी का ज्यादा चल रहा है। ओम जी का यहाँ पर ओम बिरला जी सकता है। ओम बिरला को, ओम बिरला ने लाइटें लगाई, बहुत बड़े काम करा बोली। क्या माहौल है चुनाव का और इसमें कौन जीत कर जाएंगे? ओम बिरला जी आएंगे। हम किसे वोट देना चाहते हैं इस बार? ओम बिरला। ओम बिरला इस बार आप किसे वोट देंगे? हम तो कांग्रेस को देंगे सर। भाजपा का विकास कुछ दिखता ही नहीं, आपको भी देखो इधर। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मानंद झा और आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं बूंदी शहर में, और बूंदी शहर ये कोटा और बूंदी लोकसभा क्षेत्र में आता है। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी होंगे हमारे चैनल पर यदि बने हैं तो, कोटा और बूंदी लोकसभा क्षेत्र में भाजपा से प्रत्याशी ओम बिरला है, तो वहीं विपक्ष में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल है। ये वही प्रहलाद गुंजल है जो अभी कुछ ही दिन पहले भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है और कांग्रेस ने इन्हें प्रत्याशी बना दिया है। हम तो आइए यहाँ की जनता से, बूंदी की जनता से हम जानते हैं कि आखिर इनके मन में क्या चल रहा है। और इस बार इस लोकसभा सीट से दिल्ली का सफर तय किसे कराते हैं, दिल्ली किसे भेजना चाहते हैं, तो आइए यहाँ की जनता की राय लेते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सुनील शर्मा। क्या माहौल चल रहा है यहाँ बूंदी में? बूंदी में ओम जी का ज्यादा चल रहा है। ओम जी का, प्रहलाद गुंजल का, प्रहलाद गुंजल जी का भी चल रहा है, बाकी उनका ज्यादा वो है क्योंकि वो अभी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आए, इससे थोड़ा लोगों में मन में उनके थोड़ा क्या क्या विचार विकास यहाँ किए हैं बिरला जी? बिरला जी ने विकास के तो अब वादे किए, विकास तो अब करेंगे वो, अभी तक तो क्या है कि अभी तक वादे किए हैं, अभी तक तो वादे किए हैं, लेकिन अब उन्होंने पक्का किया है। जैसे यहाँ पे बूंदी के तालाब वगैरह है जो खराब स्थिति में, उनको सुधारने का वादा है। तो और ये रोड वगैरह ये काफी खराब हुई इधर से ये वाली, तो इन्होंने अब जाके पक्का आश्वासन और विश्वास दिलाया कि भाई अब जैसे फर्स्ट में ये चुनाव में विजय होने के बाद ये काम करने की था नहीं इन्होंने। इस बार किसे वोट देंगे, भाजपा को या कांग्रेस को? भाजपा। ठीक है, आइए कुछ और लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं क्या कुछ इनका विचार है। क्या नाम भैया? दीपक। क्या माहौल चल रहा है यहाँ चुनाव का? बीजेपी का। बीजेपी का, कांग्रेस का क्यों नहीं? कांग्रेस का नहीं है सर। ओम बिरला कैसे व्यक्ति है? बढ़िया आदमी। और ये प्रहलाद गुंजल? प्रहलाद गुंजल बढ़िया आदमी। दोनों में से वोट? लेकिन वोट बीजेपी के ज्यादा है सर। ठीक है, क्या नाम है भैया? आकाश मेघवाल। किसे वोट देंगे इस बार, कांग्रेस या भाजपा? भाजपा। कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस को भी देंगे, जो काम करेगा उसको देंगे। ओम बिरला सही काम कर रहे हैं? यहाँ का तो पता नहीं है। क्या नाम भैया आपका? ब्रह्मानंद मेघवाल। ब्रह्मानंद? हाँ जी सर। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव बाद अच्छा ही है अभी तो। कैसा भाजपा पिछले 10 साल से यहाँ राज कर रही है, क्या उन्होंने विकास किया और इस बार आप किसे वोट देंगे भाजपा? हम तो कांग्रेस को देंगे सर। भाजपा का विकास कुछ दिखता ही नहीं, आपको भी देखो इधर। मैं तो दिल्ली से आया हूँ, मुझे तो यहाँ का कुछ पता नहीं, जो भी दिक्कतें आप मुझे बताओ। क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत है सर, रोड की दिक्कत है पूरी, इधर गायें पूरी पड़ती रहती है रोड पे, उसकी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, ट्रैफिक वगैरह इसमें बहुत दिक्कत है। क्या नाम भैया आपका? राकेश। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का यहाँ पर? बीजेपी का। बीजेपी का जी सर। कैसे? अच्छा काम किया बिरला जी ने हमारे। क्या भी काम किया उन्होंने? हमारे गाँव में रोड बनवाया और बालाजी का रोड बनवाया, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं मतलब। तो इस बार जो आप प्रधानमंत्री चुनेंगे तो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा देखेंगे, क्षेत्रीय स्तर का मुद्दा देखते हैं? हमारे तो कोई मोदी जी आएंगे वापिस, मुद्दा कोई भी हो। क्या नाम है अंकल जी आपका? गोंडलाल। क्या माहौल है यहाँ चुनाव का? पब्लिक चुप है जी, कोई कुछ भी नहीं कहती है किसी के बारे में जी। और ऐसे मोदी जी को ही देंगे वोट, जो आदमी आज जीत करते थे ना वो मोदी जी के साथ हो गए। एक तो धारा 370 की और एक राम मंदिर का निर्माण हुआ और एक विदेशों में भी बड़े अच्छे भी है मोदी जी की। क्या नाम भैया? रोशन मादानी। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? माहौल बढ़िया है भाजपा के पक्ष में। किसकी सरकार चाहते हैं, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। आइए कुछ और लोग हैं उनसे भी पूछते हैं।
क्या नाम है सर? जितेंद्र सिंह। किसे वोट देंगे इस बार? जो सक्षम होगा। फिर भी इस सीट से किसे आना चाहिए, भाजपा को या कांग्रेस को? देखो आज तक मेरा तो ये मानना है कि पिछले 10 सालों में किसी भी देश ने अटैक नहीं किया अभी तक। आज हम किसी की बदौलत सुख शांति से रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो हर दूसरे दिन पत्रिका उठाते थे तो उसमें ये पता लगता था कि आज यहाँ अटैक हो गया है, आज यहाँ अटैक हो गया है, आज उतने मारे गए। वो कौन थे? भारतीय जवान, भारतीय जो सैनिक हम लोगों की रक्षा करते थे, उनकी सुरक्षा नीति। आज कम से कम हम सुख की नींद तो सो रहे हैं। धन्यवाद। क्या नाम भैया आपका? देवेंद्र जैन। क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी इस बार? आएगा तो मोदी। मोदी आप किसे वोट देंगे, पालाज गुंजल या ओम बिरला? नहीं, वोट तो हमारी इच्छा होगी उसको देंगे, पर आए केंद्र में तो मोदी जी आएंगे। आप लागत आएंगे, आप भी लाना चाहते हैं? नहीं, लाना चाहते ना मोदी जी को, विकास को लाना चाहते हैं। क्या माहौल है चुनाव का? यह चुनाव का यहाँ पर ओम बिरला जी सत्ता है। ओम बिरला और पालाज गुंजल क्यों नहीं? पलाज गुजर की वो बीजेपी का आदमी हो के कांग्रेस में गया हूँ, अब टक्कर तो बराबर है, लेकिन हम तो ओम बिरला में देंगे वोट। क्या नाम भैया? सही बात की। विनोद सिंह। किसे वोट देंगे? ओम बिरला। ओम बिरला को। ओम बिरला को। ओम बिरला को। ओम बिरला ने लाइटें लगाई, बहुत बड़े काम करा दिल्ली ने। क्या नाम है? महेंद्र। क्या लग रहा है यहाँ, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। किसकी सरकार आएगी? सर बीजेपी की। बीजेपी की? कांग्रेस की नहीं आएगी। क्या नाम है भैया? मुरलीधर। क्या लग रहा है चुनाव का माहौल यहाँ, क्या क्या चल रहा है यहाँ? बढ़िया चल रहा है। किसकी सरकार आना चाहिए इस बार? मोदी की। मोदी की? कांग्रेस की क्यों नहीं? कांग्रेस के इतना, कांग्रेस ने काम नहीं किया इतना, झूठे दिलावा से दे रखे हैं। क्या-क्या काम किया है? ओम बिरला आप करेंगे, आएंगे जो भी काम करेंगे। पूरे 10 साल तो उन्होंने राज किया था। 10 साल तो राज किया थे यार। 10 साल किया था। अभी तो यहाँ थोड़ा बहुत विकास हुआ है, रोड वोड बने हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा प्रदीप। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का, क्या लगा है सर, किसकी सरकार आएगी? बढ़िया माहौल है, अच्छा माहौल है। आप किसकी सरकार लाना चाहते हैं, भाजपा या कांग्रेस? देखो आना तो मोदी जी चाहिए। यहाँ लोकल में किसे चाहते हैं, ओम बिरला या पहला गुंजल? बिरला जी को चाहते हैं। क्या माहौल चल रहा है, तो आ गया है। क्या माहौल चल रहा है, किसकी सरकार आएगी? यहाँ पे बीजेपी की आएगी। कांग्रेस की क्यों नहीं? कांग्रेस की नहीं, यहाँ पे बीजेपी आएगी, जब केंद्र में बीजेपी बैठेगी। क्या नाम है भैया? नवल जोशवाल। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? वैसे मैं बाहर रहता हूँ, यहाँ रहता हूँ। चुनाव तो पूरे देश का चल रहा है, लोकसभा का चुनाव है। किसकी सरकार चाहते हैं सेंटर में, कांग्रेस की या भाजपा की? सेंटर में तो मोदी की चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे टक्कर है इस बार। टक्कर है। भैया क्या नाम है आपका? अजयी लाल। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का साथ यहाँ तो बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी का? कांग्रेस का क्यों नहीं? ये तो क्या पता। आप किसे भाजपा को देंगे वोट? मेरे भाजपा को दे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा प्रकाश। प्रकाश जी यहाँ बताएं कि जो छोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र, यहाँ से क्या माहौल है चुनाव का, और इसमें कौन जीत कर जाएंगे दिल्ली? ओम बिरला जी आएंगे यहाँ। ओम बिरला? अलग गुंजल क्यों नहीं आएंगे? कांग्रेस की चाल नहीं है, बीजेपी की चाल है हमारे। क्या नाम है भैया? रतन लाल। क्या लगता है सर, किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की आएगी। बीजेपी की? किसे वोट देंगे, ओम बिरला पाला गुंजल? ओम बिरला को। ओम बिरला तक थोड़ी धीरे जाओ, हमारे तो मोदी था धीरे जाओ। मोदी? हाँ। प्रधानमंत्री किसे, मोदी को राहुल गांधी को? नहीं मोदी को। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो दोनों का बराबरी चल रहा है यहाँ पे। ओम बिरला पाला गुंजल दोनों का बराबरी चल रहा है यहाँ पे। प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। क्या नाम बहन जी आपका? सुहानी जी। किसे वोट देना चाहते हैं इस बार? ओम बिरला। ओम बिरला। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना चाहते हैं राहुल गांधी? मोदी जी को। मोदी जी को क्यों? क्योंकि मोदी जी हमारे देश को कितना आगे लेके चले गए, वो हमको कितना सपोर्ट करते हैं। आजकल है ना, हर औरत के पास मोबाइल हो गया, हर औरत शिक्षा की ओर बढ़ रही है, और हर मतलब लड़की को एजुकेशन वगैरह सब मिल रहा है, बहुत आगे गई शिक्षा, लड़कियों को बहुत सपोर्ट मिल रहा है।